हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम अपने जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको अप्रॉक्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का मेन टॉपिक क्या रहने वाला है आज? राउंड ऑफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो हमारे नंबर का राउंड ऑफ होता है या फिर नंबर का अप्रॉक्सीमेट होता है उसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों को वो चीज़ पढ़ना है वो लोग बगल पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग राउंड ऑफ या फिर अप्रॉक्सीमेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हम लोग कैसे राउंड ऑफ करें। वैसे राउंड ऑफ करना होता क्या है कि जो भी नंबर हमारे लिखे हों, ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि भाई नंबर एक हमारा लिखा हुआ है 2.96, हमें इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना। तो इसको हम लोग कई तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं, या फिर पहला जो हमारा है कि हम होल नंबर में राउंड ऑफ करें। तो होल नंबर में राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि हमारा डेसिमल यहां से बेसिकली हटाना है और सिर्फ डेसिमल के पहले वाले नंबर को राउंड ऑफ करके रखना है। ठीक है, फिर आता है वन डिजिट पे राउंड ऑफ करो, डेसिमल के वन प्लेस पे राउंड ऑफ करो। तो हमें क्या करना होता है, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है, मतलब इस डिजिट को हमारे अप्रॉक्सीमेट रखना है। ठीक है, या फिर टू डेसिमल टू प्लेस पे आता है तो हमें इसको राउंड ऑफ करना होता है। फिर मान लेते हैं आगे फाइव है तो डेसिमल थ्री प्लेस पे आ जाओ तो इसको राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, अब अच्छा समझो कि राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा नंबर, जैसे यहाँ पे हम बात करें कि होल नंबर हमें राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब होता है कि ये जो इतना पार्ट है इसको हमें हटा के और इसको अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं इसके साथ में हमें ऐड कर देना। ठीक है, तो हमने अच्छे से इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे राउंड ऑफ करना होता है, उसके रूल से क्या क्या हैं, वहाँ जाके आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हम लोग इसमें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सभी रूल्स को। ठीक है, और जिन लोगों को नंबर्स का राउंड ऑफ करना, वहाँ पे मैंने स्टार्ट बिल्कुल बेस से लेके एकदम हाई लेवल तक का बताया कि कैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं अपने नंबर्स को। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली डेसिमल नंबर्स का जो राउंड ऑफ है या फिर डेसिमल नंबर को अप्रॉक्सीमेट करना या फिर अप्रॉक्स करना है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने पहले मेन टॉपिक से बात करते हैं। ठीक है, डेसिमल में कई नंबर्स के जो राउंड ऑफ करने का तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है राउंड ऑफ ऑफ होल नंबर, होल नंबर, हमें होल नंबर में राउंड ऑफ करना होता है हमारे डेसिमल नंबर को। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें कि होल नंबर में हमें राउंड ऑफ करना, तो नंबर कुछ हमारे ऐसे रहेंगे कि भाई 3 पॉइंट, या फिर थोड़ा सा और बड़ा लिख ले आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, 3.54, हमें इसको क्या करना है कि ये हमारा डेसिमल है, इसको हमें होल नंबर में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है या फिर अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि हम भाई ये हमारा नंबर, इसको हमें राउंड ऑफ करके लिखना है। क्लियर, और किसके बेस पे राउंड ऑफ करना, इन नंबर्स के बेस पे राउंड ऑफ करना, मीन्स कि डेसिमल जो हमारा है इसके बाद वाले नंबर को लेके चलना है और राउंड ऑफ किसको करना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को। क्लियर, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि अगर हमारा जो ये डेसिमल के बाद पहला डिजिट है, ठीक है, अगर होल नंबर में राउंड ऑफ करना है, तब तो जो ये डेसिमल के बाद पहला डिजिट है इसको हमें देखना होता है कि ये 5 या 5 से ज़्यादा है या फिर 5 से कम है। ठीक है, अगर ये वाला हमारा नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हमें इसको पूरे को हटा के जो ये नंबर होता है, मीन्स कि डेसिमल के पहले वाला नंबर होता है, इसमें 1 ऐड कर देना होता है। ठीक है, अगर यही हमारा होता 3.45, क्लियर, तो यहाँ पे करना क्या है कि जस्ट डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना है, अगर ये हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है तो हमको क्या करना होता है कि इस पूरे नंबर को हटा के एज इट इज़ ये वाला नंबर डेसिमल हटा के लिख देते हैं। क्लियर, ये हमारा होता होल नंबर में राउंड ऑफ करना।
क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा देखो डिसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, फाइव है। हमने क्या बताया, फाइव या फाइव से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना होता है, इस पूरे नंबर को हटा के जो हमारा यहाँ पे मींस कि ये जो थ्री है इसमें वन ऐड करके लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन दैट इज़ फोर, ये हमारा होल नंबर राउंड ऑफ होके आ गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो जो हमारा डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट है वो क्या है, फोर है, और फोर हमारा फाइव से लेस होता है या फाइव से कम होता है। तो हमें क्या करना होता है कि डेसिमल सहित ये पूरा नंबर हटा देना और थ्री को एज इट इज़ लिख देना, ये इसका राउंड ऑफ होता है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद हाफ या हाफ से ज़्यादा हो, मतलब एक हमारा नंबर वन होता है, ठीक है, वन का हाफ या हाफ से ज़्यादा हो तो हमें क्या करना होता है, वन को बड़ा इंक्रीज़ कर देना होता है जस्ट पहले वाले नंबर में, मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर है वन उसमें वन इंक्रीज़ कर देना होता। अगर जो डेसिमल के बाद वाला नंबर वो हाफ से कम है, ठीक है, हाफ से कम है तो हमें फिर इसको पूरा हटा देना होता है और ये नंबर एज इट इज़ लिख देना होता है। क्लियर, तो सिंपल सा रूल है, कोई बहुत बड़ा इसमें लॉ नहीं या फिर बहुत बड़ा कोई रूल लागू नहीं होता है। रूल को कोई बहुत बड़े रूल को हमको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, याद सिर्फ इतना करना होता है कि अगर हमें होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है या फिर अप्रॉक्सीमेट करना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद चेक करेंगे कि क्या वो हाफ है, मतलब वन एग्जैक्टली देखें वन का हाफ है, हाफ या हाफ से ज़्यादा। क्लियर, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो कि भाई डेसिमल के जस्ट बाद हमारा नंबर फाइव या फाइव से ज़्यादा है तो उसके जस्ट पहले मींस कि डेसिमल के पहले जो नंबर है उसमें वन इंक्रीज़ कर देना है। अगर डेसिमल के बाद वाला जस्ट डिजिट हमारा क्या है, फाइव से कम है तो जो डेसिमल के पहले वाला नंबर उसको एज इट इज़ लिख देना है, यही राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ होके फोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फाइव या फाइव से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें 3.45 था और जो हमारा ये फोर है डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर, अब देखो डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे इस नंबर को राउंड ऑफ करना, तो इसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम देखेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है हम उसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखेंगे, वो फाइव या फाइव से ज़्यादा या फिर फाइव से कम है। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एज इट इज़ थ्री आ जाएगा। और नंबर देख लेते हैं, 9.11 लिखा हुआ, ठीक है, इसमें हमें होल नंबर में क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। होल नंबर में राउंड ऑफ करना मतलब हमें डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर्स को हटा देना है। ठीक है, अब देखो हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो उसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम चेक करते हैं। जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, वन है। हमने बताया कि फाइव या फाइव से ज़्यादा हो या फिर फाइव से कम हो, तो फाइव या फाइव से ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना, यहाँ से ये वाला पोर्शन हटा के इसमें वन ऐड कर देना। अगर ये फाइव से कम है तो हमें क्या करना, ये पूरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इतना क्या करना, हटा देना है। ठीक है, बस पकड़ो इस चीज़ को कि भाई अगर जिस भी नंबर को हमें अप्रॉक्स करना उसके जस्ट बाद वाला नंबर अगर फाइव या फाइव से ज़्यादा है तो हमें इसको उसके पहले वाले मतलब कि जिस नंबर को अप्रॉक्स करना उसमें वन ऐड कर देना है। अगर इसके बाद वाला जस्ट जो नंबर है वो फाइव से कम है तो हमें क्या करना, ये पूरा नंबर क्या करना, हटा देना है यहाँ से, मीन्स कि सिर्फ ये नंबर एज इट इज़ लिख देना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो डेसिमल की या फिर इस नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर वन है, है ना, और वन क्या होता है, फाइव से कम होता है, तो इसका मतलब कि हमें ये क्या करना है, ये पूरा नंबर हटा देना है, इसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ये क्या बच जाएगा, नाइन। ठीक है, और एक नंबर देखो 15.69, क्लियर। अब देखो यहाँ पे टू डिजिट दिया है लेकिन हमें सिर्फ ही इस सिंगल डिजिट को लेके चलना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये नाइन ना हो, 15.6 हो, ठीक है, अगर होल नंबर में हमको क्या करना, राउंड ऑफ करना या फिर अप्रॉक्सीमेट करना। तो हमने देखा कि ये जो नंबर है हमें इसको राउंड ऑफ करना तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखो तो सिक्स है, है ना, सिक्स है तो इसको हम देखेंगे ये हमारा फाइव से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि 15 में हम क्या करेंगे, प्लस वन कर देंगे, दैट इज़ ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 16। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा जो होल नंबर का राउंड ऑफ हो गया वो हमने सीख लिया है। एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें कि 9594.693, क्लियर, इसमें हमें क्या करना है,
कि राउंड ऑफ करना हमारे होल नंबर में, तो इसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम देखते हैं कि वो क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, दैट मीन्स ये 5 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना 94 में प्लस 1 कर देना और ये हमारा क्या हो जाएगा 95। ये इस नंबर का राउंड ऑफ करने के बाद 95 हमको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा हो गया होल नंबर को अप्रॉक्सीमेट करना। अब आगे हम लोग देखेंगे वन प्लेस ऑफ डेसिमल या फिर डेसिमल वन प्लेस। बहुत बेसिक सा तरीका है ये, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगता है, या फिर कह लो कि बहुत बड़ा कोई रूल अप्लाई नहीं होता, जो हम लोग पढ़े हुए हैं बेसिक क्लासेस से या फिर प्राइमरी क्लासेस से, सिर्फ वही इसमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा राउंड ऑफ टू द डेसिमल वन प्लेस। हमें वन प्लेस पे क्या करना है, डेसिमल के वन प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब इसमें रूल वही है कि देखना है जिस नंबर पे हमको राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट बाद वाला नंबर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है, तो उसके पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज कर देना है। अगर डेसिमल जहाँ पे हमको जो राउंड ऑफ करना उसके जस्ट बाद वाला नंबर 5 से कम है, तो हमें उसके पहले वाले नंबर को एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग अपना एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, कि भाई 9.67 है, ठीक है, डेसिमल के वन प्लेस पे हमको राउंड ऑफ करना, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद वन प्लेस ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमें इस नंबर को क्या करना, राउंड ऑफ करना, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितना है वो। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ है ना, 7 क्या होता है, 5 से ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे इसके जस्ट 7 से जस्ट पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज कर देंगे या फिर 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 9.6 और इसमें प्लस 1 कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 पॉइंट लगा और ये 9 हो जाएगा। मीन्स कि इसको अगर हम लोग अप्रॉक्स करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9.7, क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं, 11.36, ठीक है। अब इसके बाद कितने भी नंबर 7, 9, 4, 6 कितने भी लिखते चले जाओ, ठीक है, हमें क्या करना है कि डेसिमल के वन प्लेस को अप्रॉक्स करने की बात कर रहा, तो हम जस्ट उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, इसको देखने का कोई मतलब नहीं, मतलब इसको हमको निगलेक्ट कर देना, कोई मतलब ही नहीं इससे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसको हमको अप्रॉक्स करना उसके जस्ट बाद हमारा 6 लिखा हुआ है, क्लियर। अब ये 6 लिखा हुआ तो हमें क्या करना है, 5 से ज़्यादा होता है 6, तो यहाँ पे 11.3 में प्लस 0.1 करना, क्योंकि हमको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11.4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर लिखा हुआ है 27.93, ठीक है, हमें डेसिमल के वन प्लेस को अप्रॉक्स करना है, तो हम क्या करेंगे 9 के जस्ट बाद वाला नंबर देखेंगे, ठीक है। अब 9 के जस्ट बाद वाला नंबर अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, और 3 हमारा क्या होता है, 5 से कम होता है, दैट मीन्स हमको क्या करना है 27.9 को एज इट इज़ लिख लेना है, इसको भूल जाना है, ठीक है। इसके बाद 9 के बाद अगर 5 से कम है कोई नंबर तो उसके बाद वाले सारे नंबर को हमको हटा देना, सिर्फ उतना ही हमको जो हमको अप्रॉक्स करना, तो उतने नंबर को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 27.9, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, 108.21, ठीक है, डेसिमल के वन प्लेस को हमको क्या करना है, अप्रॉक्स करना है, ओके। तो हम देखेंगे कि भाई डेसिमल के वन प्लेस पे हमारा क्या है, 2 है, और 2 को हमको अप्रॉक्स करना है, तो जब हम 2 को अप्रॉक्स करने की बात करें तो इसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम देखते हैं कि जस्ट बाद वाला नंबर क्या लिखा हुआ, तो जस्ट बाद वाला नंबर हमारा कितना है, 1 है, क्लियर। अब ये 1 है तो हमें तुरंत माइंड में रिमाइंड करना कि भाई हमको ये चेक करना है 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 इंक्रीज़ करना है, 5 से कम हो तो हमें एज इट इज़ नंबर को लिख देना, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 5 से कम है तो इसको हम कट कर देंगे, 5 से कम है कोई मतलब नहीं है, उसके जस्ट पहले वाले पूरे नंबर को एज इट इज़ लिख लेना, तो ये हो जाएगा 108.21,
2, यही हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा अप्रॉक्स होने के बाद। अगर इसी नंबर को फिर से देखें 108.27 होता, ठीक है 27 होता, तो हमको डेसिमल के वन प्लेस में मींस कि इस डिजिट को हमको अप्रॉक्स करना है। तो इसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम चेक करते हैं, क्या वो 7 है। अब अगर 7 है तो हमारा ये 75 से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स कि इसके पहले जस्ट पहले वाले डिजिट में हमको 1 ऐड कर देना। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 108.83 हो जाएगा। ओके, एकदम सी नॉर्मल सी बात है ये, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई मैथ का रूल नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल के वन प्लेस पे हमने चेक कर लिया कि कैसे अप्रॉक्स करते हैं। अब आगे देखते हैं डेसिमल के सेकंड प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सबको इरेज कर देते हैं, जिनको नोट करना है वीडियो को पहले पॉज कर ले, हर टॉपिक को पढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कर लो, मतलब कि हम इसके बाद जब आगे बढ़ें तो तुम पॉज करो और इसको सारा नोट कर लो, हम आगे अपना पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके अलावा कि अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करो जिन लोगों को इसकी नीड है, जिन लोगों को नहीं आता। मैंने देखा है कि प्राइमरी में बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, तो उसके बाद उनको 9th, 10th, 11th, 12th तक भी इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 6th क्लास वालों को ही चाहिए ऐसा कंटेंट, ये तुम्हें 12th में भी हेल्प कर सकता है, 11th में भी हेल्प कर सकता है, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेसिमल सेकंड प्लेस पे, या फिर डेसिमल टू प्लेस कर लो यहाँ पे, ठीक है। मींस कहने का कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे हमको अप्रॉक्स करना है, ठीक है। चलते हैं एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम लोग नंबर की बात करें यहाँ पे कि एक नंबर ले लेते हैं 9.374, टू डेसिमल के 2 डिजिट को हमको अप्रॉक्स करना, मतलब कि यहाँ तक ये वाला जो 2 डिजिट है इस तक, यहाँ तक हमको अप्रॉक्स करना, दैट मीन्स कि हमें इस डिजिट को अप्रॉक्स करना होगा, ठीक है। अब अगर इस डिजिट को अप्रॉक्स करना है तो इसके जस्ट बाद वाले डिजिट को हमको चेक करना है, ठीक है। तो जस्ट बाद वाले डिजिट की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, दैट मीन्स उसके पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आना। तो हम क्या करेंगे, 4 को सिंपली ऐसे कट करो और 9.37 लिख दो, यही हमारा अप्रॉक्स होके आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 16.379। अब यहाँ पे देखो कि हमें 2 डिजिट को अप्रॉक्स करना है, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट को अप्रॉक्स करना है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर लें तो वो हमारा क्या है, 9 है, ठीक है। अब अगर ये 9 है तो दैट मीन्स ये हमारा 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब 16.37 में हमको 7 डिजिट पे 1 ऐड कर देना है, ठीक है। जब उस पर हम 1 ऐड करेंगे तो 16.38 हो जाएगा ये। देखो हमेशा जो नंबर 1 इंक्रीज़ करना, जिस डिजिट को हमको अप्रॉक्स करना उसी में करना, यहाँ पे ये गलती नहीं कर सकते कि भाई हमने कहा कि 1 इंक्रीज़ करना, तुम क्या करो 16.37 पूरे में यहाँ 1 इंक्रीज़ कर दो, 17.37 लिख दो, ये गलत है। हमें जिस डिजिट को अप्रॉक्स करना है 1 उसी में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको 7 को अप्रॉक्स करना था, 7 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, 119.39756, ठीक है। अब हमको 2 डिजिट डेसिमल 2 प्लेस पे अप्रॉक्स करना, मींस कि 9 को हमको अप्रॉक्स करना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं हमारा क्या है, 7 है, इसका मतलब कि हमें 9 में 1 इंक्रीज़ करना होगा, क्यों, क्योंकि 7 हमारा 5 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 9 में 119.39 है, 9 में हमको 1 ऐड करना, 1 हम ऐड कर लेते हैं, प्लस का साइन लगा लो, 9 1 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1 हुआ तो 1 3 कितना हो जाएगा 4.911, 119.40 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस पे देख लिए हैं कि कैसे अप्रॉक्स किया जाता है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग 3 प्लेस पे देखते हैं, इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लग रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी डाउट है आपका। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ऐसे ही ध्यान देना है आगे आपको कैसे करना है कि भाई 2 प्लेस हो गया, अगर हम लोग 3 प्लेस की बात करें तो वहाँ भी सेम रूल है, कोई अलग रूल नहीं है उसके लिए। यहाँ पे आ जाओ 3 प्लेस पे, ठीक है। अब अगर 3 प्लेस की बात करें तो नंबर लिखो,
जैसे थ्री प्लेस है तो हमें डेसिमल के बाद फोर डिजिट होने चाहिए उस नंबर में, तभी थ्री प्लेस का अप्रॉक्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें 2.37524, कह रहा कि थ्री प्लेस को अप्रॉक्स करो, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 5 को हमको अप्रॉक्स करना है या फिर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 को अप्रॉक्स करने की बात करें तो उसके जस्ट बाद देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और 2 हमारा क्या होता है, 5 से कम होता है। दैट मीन्स कि जो हमारा नंबर है 2.375 एज इट इज़, इसको लिख लेना होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, और एक एग्जांपल, थ्री हंड्रेड 90.3799। ठीक है, हमको 3 डेसिमल के 3 प्लेस पे अप्रॉक्स करना, दैट मीन्स इस 9 को, इसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखें तो वो हमारा क्या है, 9 है, और अगर 9 है तो इसका मतलब उसके इस वाले 9 में हमको 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 390.379, और यहाँ पे 9 में 1 ऐड कर लो, 9 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 178.3.093, ये नंबर हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स होके। ठीक है, और एक देख लो, 37.39.9999, क्लियर, हमको डेसिमल के थर्ड प्लेस को अप्रॉक्स करना, दैट मीन्स इस 9 को अप्रॉक्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखेंगे क्या है, वो 9 है, 9 है, दैट मीन्स इस 9 में हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, तो नंबर लिखो 39999+1 यहाँ पे कर लो। ठीक है, 9 1 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया, 9 1 10 का फिर से 0, कैरी यहाँ पे 1, 9 1 10 का फिर से 0, डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ फिर 1 कैरी हो गया, 9 1 10 का 0, और यहाँ फिर 1 4 हो गया, ये हो जाएगा हमारा क्या, 40.000। ठीक है, तो 3 प्लेस पे हम लोगों को ऐसे अप्रॉक्स करना है। अब हम लोग आते हैं 4th प्लेस पे, देखते हैं, अब इसमें कितना भी बड़ा नंबर हो आप लोग इजीली अब कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं 4 प्लेस पे, देखते हैं कि क्या है सिस्टम इसका, डेसिमल 4 प्लेस। अब नंबर लिख लो कि भाई 2.37566। अब अगर हमें 4th प्लेस को अप्रॉक्स करना तो 5th डेसिमल के बाद 5 डिजिट होने चाहिए, तभी 4th प्लेस अप्रॉक्स होगा, तो यहाँ पे 4th प्लेस हमारा क्या है, 6 है, और इसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम लोग देखें तो वो भी क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, दैट मीन्स ये 5 से ज़्यादा है, तो 5 से अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस 6 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे, तो 2.3757 हो जाएगा, 6 वाला 1 इंक्रीज़ करके कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, 20.3729। ठीक है, एक और डिजिट लो, 3। अब हमें 4th प्लेस को, दैट मीन्स इस 9 को अप्रॉक्स करना है, तो 9 के जस्ट बाद वाले नंबर को हम चेक करें क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, दैट मीन्स अब हमारे 9 में कोई चेंज नहीं होना, तो ये हमारा हो जाएगा 20.3729। एक चीज़ और देखो कि जो हमारा डेसिमल होता है इसके बाद जो भी डिजिट लिखे होते हैं हमको उनको 1-1 डिजिट पढ़ना होता है, हम ये नहीं कह सकते कि 20.3729, ये नहीं बोल सकते हैं, 20.3729 ये हमारा सही तरीका है इसको पढ़ने का। ठीक है, तो अगला डिजिट एक नंबर और देख लेते हैं इसका, 297.374836, क्लियर, डेसिमल के बाद 4th डिजिट जो है उसको अप्रॉक्स करना, दैट मीन्स इस नंबर को, इसके जस्ट बाद वाले नंबर को हम चेक करें क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, दैट मीन्स कि अब इसमें कोई चेंज नहीं आना, तो इसके जस्ट बाद वाले दोनों डिजिट को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, और नंबर 297.3748 एज इट इज़ लिख लेंगे, यही इसका अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे कहता 5th प्लेस को अप्रॉक्स करो, तो दैट मीन्स डेसिमल के बाद हमारे 6 डिजिट होने चाहिए, 2.974639। ठीक है, हमें 5th प्लेस, दैट मीन्स इस 3 को अप्रॉक्स करना है, तो 3 के जस्ट बाद वाले नंबर को हम चेक करें तो क्या लिखा हुआ, ये 9 लिखा हुआ, दैट मीन्स कि अब हम 3 में 1 इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.97464, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर।
तो इस तरीके से जो डेसिमल का हमारा होता है अप्रॉक्सीमेशन या फिर राउंड ऑफ, वो हमने आज देख लिया है। अब आपको कहीं भी जैसे बात कर लिया जाए यहाँ कि भाई डेसिमल के बाद सेवेंथ प्लेस को राउंड ऑफ करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आराम से। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों का राउंड ऑफ ऑफ डेसिमल नंबर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को कहीं भी किसी भी टाइप का डेसिमल नंबर मिलेगा तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग फिर से देखेंगे कि आगे हमें क्या चीज़ पढ़ना है, और इसी तरीके का जो भी मैथ का ट्रिक होगा या मैथ का सॉल्यूशन होगा वो आप लोगों को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी एज इट इज़ जो भी हमारी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की जो भी मैथ की क्लासेस या फिर फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं वो एज इट इज़ चलती रहेंगी। ऐसे बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा कि आप लोगों को कुछ इस टाइप के भी टॉपिक्स बताने की ज़रूरत है तो हम आप लोगों को अवश्य ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।